सफारी और एक जू सफारी भैया, दोनों सफारी का आपको यहाँ पे टिकट मिलेगा। दोस्तों अगर आप पहली बार राजगीर के ग्लास ब्रिज को देखने के लिए जाना चाहते हैं तो राजगीर के सारे रूल चेंज हो चुके हैं। राजगीर जाने से पहले आपको इस वीडियो को पूरा देखना चाहिए जिससे आपको राजगीर जाने में किसी भी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आपको राजगीर जाने से पहले आपको ऑफलाइन टिकट लेना चाहिए या फिर ऑनलाइन टिकट लेना चाहिए। ऑफलाइन टिकट लेने से हमें क्या बेनिफिट मिलेगा और ऑनलाइन टिकट लेने से हमें क्या बेनिफिट मिलेगा। राजगीर घूमने में कितना समय लगेगा और टोटल खर्चा कितना आएगा। नेचर सफारी घूमने के बाद हमें राजगीर में और कहाँ कहाँ घूमना चाहिए और एक दिन में हम राजगीर को कहाँ कहाँ घूम सकते हैं। सारी की सारी जानकारी आज की इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा जिससे कि आपको राजगीर जाने में किसी भी तरह की समस्या का सामना न करना पड़े। और इस वीडियो को देखने के बाद मैं आपसे वादा करता हूँ कि आपको किसी और की वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके जो भी क्वेश्चन है वो सब रिजोल्व हो जाएंगे, इसलिए वीडियो को पूरा देखें। और लास्ट में अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कि राजगीर में आपको ऑफलाइन टिकट लेना चाहिए या फिर ऑनलाइन टिकट लेना चाहिए। दोस्तों अगर आप राजगीर में ऑफलाइन टिकट लेना चाहते हैं तो आपको गेट नंबर 5 से सुबह 3 बजे उठकर लाइन लगाना पड़ेगा। दोस्तों इसके पीछे का कारण है कि राजगीर में एक दिन में सिर्फ 800 ही लोगों को टिकट दिया जाता है। अगर ऑनलाइन पोर्टल पर 600 लोगों ने या फिर एक दिन में 700 लोगों ने ऑनलाइन टिकट खरीद लिया है तो जो लोग ऑफलाइन टिकट के लिए खड़े हैं तो इसमें भी सिर्फ 100 लोगों को ही टिकट दिया जाएगा। ऑफलाइन टिकट लेने के लिए यहाँ पर मैटर नहीं करता कि आज 100 लोग हैं, 200 लोग हैं, 500 लोग हैं, किस किस को टिकट मिलेगा, किस किस को नहीं मिलेगा। अगर ऑनलाइन सारी टिकट बिक चुकी है तो यहाँ पर आप चाहे कितने बजे से ही लाइन में क्यों ना खड़े हों, फिर आपको टिकट नहीं मिलने वाला है। इसलिए अगर आप ऑफलाइन टिकट लेना चाहते हैं तो आप सुबह 3 बजे से ही यहाँ पर आकर लाइन में खड़े हो जाएं तो आपका नंबर आगे आ जाएगा और आपका उम्मीद है कि आपको उस दिन टिकट मिल जाए। दोस्तों अगर आप अपने परिवार के साथ गए हैं और साथ में कोई बच्चा है तो 5 साल के बच्चे का यहाँ पर कोई टिकट नहीं लगता है, लेकिन अगर 5 साल के ऊपर का बच्चा है तो उसका फुल टिकट आपको लेना पड़ेगा। दोस्तों ग्लास ब्रिज को देखने के लिए आपको सबसे पहले एंट्री टिकट लेना पड़ता है जो कि 150 रुपए का है। यहाँ पर एंट्री टिकट लेने के बाद आप अंदर जाएंगे और वहाँ पर आपको 150 रुपए का फिर से ग्लास ब्रिज का टिकट लेना पड़ेगा। दोस्तों ऑफलाइन समस्या देखने के बाद अब आपको भी ऐसा लग रहा होगा कि हमें तो ऑनलाइन टिकट ही ले लेना चाहिए, तो चलिए अब बात करते हैं कि ऑनलाइन टिकट कैसे लें। दोस्तों ऑनलाइन टिकट लेने के लिए आपको नेचर सफारी टिकट लिखना पड़ेगा और आपको इस तरह की एक स्क्रीन खुल जाएगी और यहाँ पर आप देख लें कि कहीं आप जू सफारी का टिकट तो नहीं बुक कर रहे हैं। उसके बाद आप अपने मोबाइल को डेस्कटॉप मोड में कर लें। उसके बाद इस तरह का एक पेज खुल जाएगा जहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर लिखना है और अपने मोबाइल पर एक OTP भेजना है। वो OTP डालने के बाद आपको नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद आपको यहाँ पर अपना नाम, ईमेल एड्रेस, आपको अपना पता डालना है। पते में आप जिस लोकेशन से आ रहे हैं उस लोकेशन या फिर आप जिस स्टेट से आ रहे हैं उस स्टेट का आप पता यहाँ पर डाल सकते हैं। इसके बाद आपके पास एक गवर्नमेंट ID प्रूफ होना चाहिए, चाहे वो आधार कार्ड हो, ड्राइविंग लाइसेंस हो, पासपोर्ट हो, जो भी है आपके पास आप उसको सिलेक्ट कर लें। तो जैसे कि मेरे पास आधार कार्ड था तो मैंने अपना आधार कार्ड डाल दिया। यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है कि आपको किस तारीख को जाना है। जैसे मुझे 25 तारीख को जाना है तो मैंने 25 तारीख सिलेक्ट कर ली। और यहाँ पर आपको बताना है कि आप कौन से टाइमिंग में जाना चाहते हैं। तो मेरा मानना है कि आप सबसे पहले वाली शिफ्ट लें। उसके बाद आप यहाँ पर एंट्री टिकट प्लस ग्लास ब्रिज का दोनों का टिकट बुक कर लें। मैंने 3 लोगों के लिए टिकट ले रखा है इसलिए यहाँ पर ये 1200 रुपए दिख रहा है। एक दिन में सिर्फ 800 लोगों को टिकट मिलता है और यहाँ पे करीब देख रहे हो इतनी दूर में करीब 700 से 800 लोग यहीं पर खड़े हैं, प्लस वहां पर इतने सारे लोग खड़े हैं। और अगर आप ऑनलाइन टिकट ले लेते हैं तो आप 8:30 बजे सीधा इसके अंदर आएँ, आपको कहीं भी लाइन का इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। और ऑनलाइन टिकट लेने के बाद यहां पे एक काउंटर है जहां पे आपको अंदर जाने की एंट्री प्रॉपर तरीके से मिल जाएगी। टिकट है मालिक सबका है। अरे समय तो होगा तभी तो खोलेंगे यार। हाँ देखो जी
आज फिर हमें यहाँ पर ये घूम लो तो दोनों भाई यहाँ पे क्या कर रहे हो? रंजीत आशीष चेक कर रहे हो ना? हाँ चेक कर रहे हैं। चार लोग आ जाओ। सौरभ, आनंद, आशीष। तो अभी सबसे पहले एक बार टिकट चेक हो चुका है और हम चार लोगों की एंट्री यहाँ पर मिल चुकी है। अगर आप ऑनलाइन टिकट बुक करते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले इनके पास एक चेक लिस्ट होती है, उसमें आपको वेरीफाई करते हैं, आपका कोड स्कैन किया जाता है, उसके बाद 8:30 बजे अंदर आपको एंट्री मिल जाती है। अंदर आने के बाद आपको कुछ इस तरह से नज़ारा दिखता है। सबसे पहले आपको यहाँ पर एक पार्क मिलेगा जो कि बहुत ही ज़्यादा क्लीन और साफ़ है। उसके बाद हम जाएंगे वहाँ पर, एक ऑडिटोरियम बनाया गया है, तो ऑडिटोरियम के अंदर जाएंगे और ये जो रास्ता है इसे आप जा सकते हैं। और यहाँ पर एक ऐसा भी पार्क है जहाँ पर बहुत ज़्यादा शेर, चीते वगैरह बनाए गए हैं। पहली बार बिहार में आया हूँ तो हालांकि मुझे हर जगह इस तरह से शेर बनाए हुए दिखाए गए हैं। इस तरह से ये पूरे देख लो, जैसे कि इस पार्क में भी शेर है और ये बहुत ही ज़्यादा क्लीन है। आपको कहीं भी एक भी यहाँ पर कागज़ पन्नी नहीं देखने की मिलेगी। और यहाँ पर सुबह सुबह बहुत सारे कर्मचारी हैं तो जो कि इस तरह से सफाई करते हैं। इन लोगों को भी मेरी तरफ से बहुत बहुत सैल्यूट। और सामने ये है ऑडिटोरियम जिसमें हमें जाना है। अब यहाँ पे क्या प्रोसीजर होगा हम आपको आगे वीडियो में बताएंगे। बाहर जाके राइट, जू सफारी का भी है, ठीक है, बाहर जाके राइट। तो ये दूसरा काउंटर है जहाँ पर टिकट वेरीफाई होता है। दो बार हमारा टिकट चेक हो चुका है, पहला काउंटर आगे था, दूसरा काउंटर ये है। और यहाँ पर ये भाई क्या है? म्यूजियम है, उधर से आके देखिए। इंटरप्रेशन सेंटर व्याख्या केंद्र, ये म्यूजियम था हमारे पीछे। तो उन्होंने बोला कि पहले आप जल्दी से आओ और जल्दी से जाके बस में बैठ जाओ, नहीं तो आपको लेट हो जाएगा यहाँ पर घूमते घूमते। और अभी आए हैं 8:30 बजे, तो लोग बता रहे हैं यहाँ पर कम से कम आपको 12 बज जाएंगे। तो जितनी जल्दी आप जाके बस में बैठते हो उतनी ही जल्दी अच्छा होगा। नेचर सफारी पिकअप पॉइंट, तो यहाँ से आप जाएंगे तो वो उस तरह की एक बस रेडी हो रही है, वहाँ से आपको पिकअप करेंगे, उसके बाद आपको आगे की तरफ लेकर जाएंगे नेचर सफारी को घुमाने के लिए। और जहाँ पे ग्लास ब्रिज है, और ये तीसरी जगह है जहाँ पर हमारा टिकट चेक हो रहा है। तीसरा काउंटर, आशीष कुमार। यहाँ पर भी हमारा टिकट चेक हो चुका है और चार लोग अब हम अंदर जा रहे हैं। और सबसे पहले 8:30 वाली शिफ्ट में 8:30 बजे हमारी एंट्री हुई थी और इस शिफ्ट में हम सबसे पहले बस में जाएंगे। तो ये जो बसें खड़ी हैं ये हमारी सेवा के लिए खड़ी हैं और हम लाइन लगा कर आएँगे तो इस तरह से हमें बस मिल जाएगी और इस बस में बैठ कर हम लोग जाएंगे। तो जैसे कि एक बस यहाँ पर लाइन में लग चुकी है और दूसरी बस यहाँ पर आ रही है, तो ये भी यहीं पर लाइन में लगने के लिए आ रही है। एक एक बस भरती जाएगी और हम आगे की तरफ बढ़ते जाएंगे। तो हमारी बारी आ गई है बस में बैठने की। भैया आगे आइए, यहीं बैठते नहीं, दो दो दो। ये बस वाले दूसरा लोड लेकर चल रहे हैं और इस बस में इस तरह से इतने आदमी हैं। ये बस है, इसमें पूरा एयर कंडीशन है, तो इसमें एयर कंडीशनर लगा हुआ है, कूलिंग है अच्छी खासी। दोस्तों वहां पर जब आप बस में बैठते हो तो बस वाले लाकर आपको यहीं पर ड्रॉप कर देंगे। और यहां पर नेचर सफारी जो सेल्फी पॉइंट है लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है, लोग आकर अपनी यहां पर सेल्फी खींचते हैं। आई एम एट नेचर सफारी राजगीर, तो लोग यहाँ पर बिहार में आकर नेचर सफारी में अपनी फ़ोटो खींचते हैं। और ये जो बस आता है ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है वहाँ से बैठने के बाद। जब हम आगे की तरफ चलते हैं तो यहाँ पर आपको इस तरह से हैंड बनाए गए हैं, मतलब यू आर वेरी परफेक्ट। यहाँ पर लिखा है एंट्री एंड एक्टिविटी काउंटर। कै रुपये टिकट हुआ भैया? 150 रुपए का। अभी ऑनलाइन लिए थोड़ा बेकार है, अभी यहाँ तक एंट्री टिकट है ना, कोई बेकार नहीं। तो एक बार आपने यहाँ पर एंट्री टिकट लिया था ऑनलाइन 150 रुपए का, अब स्काई ग्लास वॉक करने के लिए आपको 150 रुपए का फिर से एक बार टिकट लेना पड़ेगा। उसके बाद सस्पेंशन ब्रिज, इनके हिसाब से इसी में 150 रुपए में ही ऐड है आपको सस्पेंशन ब्रिज जाने के लिए। अगर आप जिप लाइन लेते हैं तो यहाँ पर 100 रुपए है जिप, स्काई बोर्डिंग का 100 रुपए, राइफल शूटिंग का 50 रुपए। तो यहाँ पर सारे चार्ज लिखे गए हैं कौन सी एक्टिविटी आपको करना है, तो आप उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर टिकट ले सकते हैं। और टिकट काउंटर जो है यहीं पर अवेलेबल है। टिकट मैं ले चुका हूँ, 150 रुपए पर पर्सन। देखो टिकट
तो कुल मिला के ये स्काई ब्रिज देखने के लिए तो नॉर्मली आपको 300 रुपये तो खर्च करने ही पड़ेंगे। इस 150 रुपए के टिकट में आप ग्लास ब्रिज और सस्पेंशन ब्रिज दोनों को घूम सकते हैं। इसके साथ ही साथ अगर आप यहां पर कोई एक्टिविटी करना चाहते हैं तो आप अपने हिसाब से टिकट ले सकते हैं। अगर आप कोई और एक्टिविटी नेचर सफारी में करते हैं तो आपका पूरा एक दिन नेचर सफारी में घूमने के लिए लग जाएगा, इसलिए हमने कोई और एक्टिविटी नहीं किया। मैं सुबह 8:30 बजे जाने के बाद 1 बजे नेचर सफारी में फ्री हो गया कि मुझे एक दिन में राजगीर के दूसरे प्लेसेस को भी कवर करना था। दोस्तों, नेचर सफारी घूमने के बाद आपको राजगीर के विश्व शांति स्तूप में जाना चाहिए। दोस्तों, यहां पर जाने के लिए आपको नेचर सफारी के गेट नंबर 5 शेयरिंग तांगा मिल जाएगा और 9 किलोमीटर की दूरी को कवर करने के लिए आपको 40 से 60 रुपए का किराया देना पड़ेगा। दोस्तों, इसको मैंने दूसरे नंबर पर इसलिए ऐड किया क्योंकि यहां भी टिकट का टाइमिंग सुबह के 9:30 बजे से स्टार्ट होता है और दोपहर के 4:30 बजे तक ही होता है। दोस्तों, अगर आप 2 बजे यहां पर आ जाते हैं तो आपको लाइन लगाने के बाद 2:30 बजे तक आपको टिकट मिल जाता है। इसके बाद आप बौद्ध स्तूपा को घूमने के लिए जा सकते हैं, लेकिन अगर आप यहां पर 4 बजे पहुंचते हैं तो आपको टिकट नहीं मिलेगा। दोस्तों, यहां भी टिकट के जो प्राइस होते हैं वो दो तरह से होते हैं। अगर आप सिंगल सीटर केबिन रोपवे पर बैठकर ऊपर के लिए जाना चाहते हैं तो आपको 100 रुपए का टिकट लेना पड़ेगा, लेकिन अगर आपके साथ कोई फैमिली है और आप 8 लोगों के साथ केबिन के रोपवे में जाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको 120 रुपए का टिकट लेना पड़ेगा। दोस्तों, अगर आप यहां पर अपनी कार से आए हैं तो 40 रुपए आपको कार पार्किंग के लिए भी देना पड़ेगा। तो यहां पे जो केबिन रोपवे है 8 सीटर का है, वो भी 9:30 बजे से सुबह खुलता है, 12:30 बजे तक रहता है, फिर 2 बजे खुलता है, फिर 4:30 बजे। तो जब भी आएँ, और इसका जो प्रति दर है 120 रुपये है, जिसमें 8 लोग बैठ के जाते हैं, और ये है केबिन रोपवे जिसमें 8 लोग बैठ के जाते हैं, ये भी 120 रुपये का है, ये दोनों सेम ही है। तो जब भी यहाँ पर आना है राजगीर के नालंदा में, टाइमिंग ज़रूर देखना है कि आप कौन से टाइमिंग में आ रहे हो, नहीं तो ये आपको बंद मिलेगा और हमारी तरह आपको भी वापस जाना पड़ेगा। तो हो सकता है अब हम यहाँ पर कल सुबह आएँ, तो यहाँ पर कल सुबह आकर हम आपको दिखाते हैं और बताते हैं। चलिए दोस्तों, दोनों जगह घूमने के बाद अब आपको घोड़ा कटोरा लेक घूमने के लिए जाना चाहिए। उससे पहले आपको थोड़ा सा ब्रेकफास्ट कर लेना चाहिए। ये उसी दुकान पर ये 60 रुपए का 2 भटूरे दिए हैं और छोले दिए हैं, और इधर भी ये 60 रुपए का है, और प्लस ये 35 रुपए का पानी यहाँ पर मिलेगा, तो ये देख लो आप। दोस्तों, घोड़ा कटोरा आप शाम के 4 बजे के बाद भी जा सकते हैं। घोड़ा कटोरा जाने के लिए आपको 100 रुपए के पर पर्सन के हिसाब से आने और जाने का शेयरिंग ऑटो लेना पड़ेगा। दोस्तों, घोड़ा कटोरा पहुंचने के बाद अगर आप घोड़ा कटोरा में बोटिंग करना चाहते हैं तो 40 रुपए पर पर्सन के हिसाब से आपको टिकट लेना पड़ेगा। 40 रुपए का टिकट लेने के बाद आप 30 मिनट तक वहाँ पर बोटिंग कर सकते हैं, और कुछ फोटो लेने के बाद आपको वही ऑटो वाला वापस लाकर शांति स्तूप छोड़ देगा। घोड़ा कटोरा में जितनी भी देर रहोगे आपका जो ऑटो ड्राइवर है वो वहीं पर आपका इंतजार करेगा। उसके बाद वापस आने के बाद आप उसको 100 रुपए का किराया उसके बाद ही आपको देना है। दोस्तों, इन तीनों जगहों को घूमने के बाद शाम हो जाती है। इन तीनों जगहों को घूमने के बाद आप राजगीर के ब्रह्म कुंड के पास आ जाएं। ब्रह्म कुंड के पास ही राजगीर का पांडू पोखर है। अगर आप अपनी पर्सनल कार से गए हैं तो पांडू पोखर में आपको 40 रुपए का शुल्क देना पड़ेगा। उसके बाद आप पांडू पोखर को घूमने के लिए टिकट भी ले सकते हैं। दोस्तों, यहां पर नेचर सफारी की तरह अलग अलग एक्टिविटी करने के लिए अलग अलग चार्ज आपसे लिया जाता है, लेकिन अगर आप पार्क के अंदर फोटो लेना चाहते हैं और सिर्फ पार्क को घूमना चाहते हैं तो उसके लिए आपको सोमवार से शुक्रवार तक 130 रुपए का टिकट लेना पड़ेगा, और यही टिकट सैटरडे और संडे को 150 रुपए का मिलता है। 150 रुपए के टिकट में पार्क के अंदर ही एक पोखर झील है, आप उसमें 5 से 10 मिनट की बोटिंग का एंजॉय का मजा ले सकते हैं। दोस्तों, पांडू पोखर झील के बगल में ही जापानी मंदिर है, जहां पर किसी भी तरह का चार्ज नहीं लिया जाता है। अगर आपके पास समय है तो आप वहां पर भी जाकर फ्री में घूम सकते हैं। इसके साथ ही साथ पांडू पोखर झील के बगल में ही ब्रह्म कुंड है, अगर आप वहां पर भी जाना चाहते हैं तो वहां पर भी किसी तरह का चार्ज नहीं लिया जाता, आप वहां पर भी फ्री में घूम सकते हैं। दोस्तों, ऊपर बताए गए सभी प्लेसेस की अलग अलग वीडियो का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया। अगर आप डिटेल में वीडियो देखना चाहते हैं तो आप उस लिंक पर क्लिक करके
सभी वीडियो को देख सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद अगर आप मेरे बताए हुए प्लान को फॉलो करते हैं तो आप किसी भी कागज में इस चीज को नोट कर सकते हैं, जिससे आप राजगीर के फेमस टूरिस्ट प्लेसेस को एक दिन में आप कवर कर सकते हैं। नहीं तो आपको राजगीर में इन छोटे छोटे टूरिज्म प्लेसेस को घूमने का 2 दिन का समय लग जाएगा। अगर आप इन सभी चीजों को 2 दिन में कवर करते हैं तो आपका रहने और खाने पीने के भी खर्च बढ़ जाएंगे। दोस्तों इन सभी जगहों को घूमने के लिए आप मानकर चलें कि आपका 1,000 रुपए का टिकट लग जाएगा और आप इन सभी जगहों को आसानी से घूम सकते हैं। दोस्तों हम आशा करते हैं कि अगर आप राजगीर यात्रा की प्लानिंग कर रहे हैं तो इस वीडियो में बताई गई सारी जानकारी आपको मिल गई होगी। दोस्तों इस वीडियो में बताई गई जानकारी अगर आपके 10% भी काम आया हो तो आपका अपना चैनल हमारा ब्लॉग्स को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमें भी आपके सपोर्ट की जरूरत होती है। आपकी यात्रा सफल, सुखद और मंगलमय हो।